सर्वप्रथम हम अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन करेंगे। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपके लिए ये ऐप है वो डाउनलोड करना है। जैसे प्ले स्टोर ओपन कर दिया हमने, यहाँ हम सर्च करेंगे हिंदी एडिट, हिंदी एडिटर ऐप। ये पहली जो आपके लिए लाइन दिखाई पड़ रही है हिंदी एडिटर ऐप, इस पर हम सर्च कर लेंगे। आपके समक्ष ऐसा इंटरफेस आपको होगा, हमारे मोबाइल में ये पहले से ही इंस्टॉल है इसलिए ओपन करने को कह रहा है। और इसकी जो इमेज आप देख लेंगे यहाँ पे हिंदी इमेज एडिटर इस पर लिखा हुआ है, यह ऐप आप इंस्टॉल कर लेंगे अपने मोबाइल फ़ोन में। ठीक है, फ़ोन को हम वापस कर देते हैं। ये आपके लिए ऐप हम अपने मोबाइल में दिखाई दे बता देते हैं कहाँ पे है। ये वाला ऐप आपको दिखाई पड़ता होगा यहाँ पे, ये इस ऐप का हम बाद में प्रयोग बताएंगे जब थंबनेल हम कान मास्टर से बना लेंगे। उसके बाद एक ऐप आपके लिए और इंस्टॉल करना है, इमेज सर्च। ठीक है, इमेज सर्च, इमेज सर्च जो पहला आपके लिए दिखाई पड़ रहा है इस पे हम क्लिक कर देंगे। तो ये अपडेट करने को बोल रहा है, इसको अपडेट हम कर लेते हैं। इससे हमें क्या फायदा होने वाला है, इससे हम किसी भी इमेज के लिए ग्रीन बैकग्राउंड में डाउनलोड कर लेते हैं अपने थंबनेल पर लगाने के लिए, इससे ये हमें फायदा रहता है। आप किसी की भी इमेज यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी बैकग्राउंड डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऐप है ये, आप इंस्टॉल कर लेंगे अपने मोबाइल में। इतना कार्य यहाँ से करने के बाद हम आपके लिए इस जो इमेज सर्च वाला ऑप्शन है, जो ऐप है, इससे एक इमेज हम आपको बता दे रहे हैं कैसे हम डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन में ये आपका ये ऐप है, इसके लिए हम ओपन करेंगे। तो यहाँ से हम मान लीजिए किसी का भी इमेज, जैसे मान लीजिए मोदी जी की इमेज यहाँ लिख देंगे, मोदी जी की इमेज ग्रीन बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड आप हिंदी में लिखते हैं या इंग्लिश में लिख दें, तो आपके लिए ये लिखने के बाद सर्च कर देंगे तो यहाँ आपके समक्ष ऐसी इमेज आ जाएंगे। ठीक है, कोई भी इमेज आप यहाँ पे जो है इस पर क्लिक करेंगे और इसके डाउनलोड ये ऑप्शन आ रहा है, इस पर डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से। तो डाउनलोड करने के बाद आपके जल्दी में ये इमेज पहुँच जाएगी। जब आप अपने थंबनेल पर बनाते समय इसको लगाएंगे तो ये जो इसका जो बैकग्राउंड है वो हट जाता है, केवल इमेज आपके लिए रह जाएगी। इतना कार्य यहाँ से करेंगे। इसके बाद हम क्या करना है, अब हम चलते हैं अपने कान मास्टर ओपन करेंगे। हमने अपने मोबाइल में कान मास्टर एप्लीकेशन के लिए ऑन कर लिया है, ओपन कर लिया है। इस तरह से ओपन करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। यदि आपने विदाउट वाटर मार्क वाला कान मास्टर आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए एक वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहाँ हम बताएंगे आपके लिए कि विदाउट जो है विदाउट वाटर मार्क वाला हम कान मास्टर कैसे डाउनलोड करें। तो इसको खोलने का तो हमें क्या करना है, हमें इसका बैकग्राउंड पहले ले लेना है। ठीक है, आपको यहाँ बटन दिखाई पड़ता होगा मीडिया लिखा हुआ, मीडिया पे हम क्लिक करेंगे तो आपको ये लेके जाएगा सीधी गैलरी। यहाँ आप पहला देख रहे हैं इमेज स्टैंड। ठीक है, यहाँ से हम इमेज एक क्लिक करेंगे यहाँ और इतनी इमेज हमारे पास ये आ जाती हैं बैकग्राउंड के लिए। हम यहाँ पर वाइट वाली इमेज के लिए सिलेक्ट कर लेंगे, ये हमने वाइट वाली इमेज सेलेक्ट कर ली। ठीक है, अब हमारा जो बैकग्राउंड है वो सफ़ेद हो गया। इस पर बनाना चाहो तो इस पर भी बना सकते हो, लेकिन हमें जो है इस दूसरा बैकग्राउंड लेना है तो ये लायर आपको लिखा हुआ दिखाई पड़ता होगा, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी आप सही से समझ पाएंगे, और बिना स्किप किए हुए वीडियो देखेंगे तब आप जो है थंबनेल बना पाएंगे। यहाँ से आपको ऊपर लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है मीडिया, तो हम मीडिया पे क्लिक करते हैं और ये आपके लिए आपके मोबाइल के स्क्रीन में लेके जाएगा, मोबाइल की जो गैलरी है उसमें लेके जाएगा। यहाँ आपने हमने एक जो है इमेज जो वाल पेपर है वो डाउनलोड कर रखा है पहले ही, ये पिक्चर में ये वाला ग्रीन, बिल्कुल ग्रीन वाला। ठीक है, ये ग्रीन बैकग्राउंड हमने चयन किया, इसको हम क्लिक कर देंगे
और ये हमारे इस पे स्क्रीन पे सामने दिखाई पड़ रहा है, इसके लिए थोड़ा क्रॉप कर लेंगे, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ आपको क्रॉप लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्रॉपिंग, तो इस पे हमें क्लिक कर देने हैं और इसको थोड़ा हम क्लिक कर स्क्रॉल कर देंगे, ठीक है। करने के बाद हमें क्या करना है, इसके लिए जो एरो दिखाई पड़ रहा है दोनों तरफ को, इस पे हम इससे ये पूरा खींच देंगे, मतलब पूरी स्क्रीन पे हमें ये कर देना है, इस तरह से ये हम कर देंगे, ये हमारा हो गया। अब हमें कोई भी इमेज यहाँ लगाने हैं अपने थंबनेल पर, तो हमें क्या करना है, पहले से ही इमेज अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें जो आपको थंबनेल पर लगानी है। तो हम लाइव पे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ मीडिया पर क्लिक करेंगे, ऊपर मीडिया लिखा दिखाई पड़ रहा है, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ हमने एक इमेज डाउनलोड कर रखी है, तो हम डाउनलोड में जाएंगे और वो इमेज अपनी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ देखेंगे तो ये हमने इमेज सिलेक्ट कर ली, ठीक है। ये पेड़ा की मिशन पेड़ा की इमेज है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा इसके लिए क्रॉप करेंगे, ठीक है, क्रॉपिंग करेंगे। क्रॉपिंग का मतलब इसको थोड़ा छोटा करेंगे और इसको गोल घेरे में लेना है, तो हमें क्या करना है, आपको ये मास्क लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है, इसके लिए एनेबल करना पड़ेगा। इसके लिए एनेबल करने के बाद ये शेप आपको दिखाई पड़ रहा है लिखा हुआ, अभी ये वर्ग है, लेकिन यहाँ हम जब क्लिक करेंगे तो इतनी आकृति ये आ जाएंगे, इस किसी भी आकृति में आप ये ले सकते हो, ठीक है। हमने ये नेक्स्ट नीचे वाली जो आकृति इसको ले लिया है, इसके यहाँ से क्लिक कर देंगे और सीधे वापस, इसके लिए हमें कहाँ रखना है वो आप देख लेंगे, यहाँ से हटा के हमने यहाँ रख दिया। ये हमारा हो गया इमेज कैसे हम लेके आते हैं थंबनेल पर। अब हम लिखेंगे कैसे कि हमें ये जो है थंबनेल बनाना है शिक्षक डायरी कक्षा 4 के लिए, तो क्या करना है, पहले हम थोड़ा एक यहाँ पे बैकग्राउंड ले लेते हैं, यहाँ लायर पे क्लिक करेंगे और मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ इमेज स्टैंडर्ड पे क्लिक करेंगे, फिर हम ब्लैक जो है हमने स्क्रीन ले ली, ब्लैक बैकग्राउंड ले लिया, तो इसको थोड़ा क्रॉप करके छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद इसके लिए हम थोड़ा बड़ा करके यहाँ लगा देंगे, ये हमने यहाँ लगा दिया, और इसी में हम लिख देंगे शिक्षक डायरी, ठीक है। इसके शिक्षक डायरी कैसे लिखेंगे, जो लायर आपको दिखाई पड़ रहा है इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ आपके लिए कई ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे, जैसे कि मीडिया है, इफेक्ट है, स्टिकर है, टेक्स्ट है और हैंड राइटिंग है, तो हमें टेक्स्ट पर क्लिक करने हैं। टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ हम लिख लेंगे हिंदी में शिक्षक डायरी, शिक्षक डायरी, ये लिखने के बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसको थोड़ा खींचेंगे तीर के लिए और यहाँ लेके जाएंगे, ठीक है, जो आपको काला ये बैकग्राउंड है ये वाला, ठीक है, यहाँ हमने इसको फिट कर दिया। अब जो हमने लिखा है इसका कलर कहाँ से चेंज करेंगे हम, ये आप देख रहे हैं यहाँ ये कलर लिखा हुआ है, तो इसी पर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ से आप कोई सा भी इसका कलर रख सकते हैं, ठीक है, जैसा आपको मन पसंद आए, जैसे अच्छा लगे वो आप कलर रखेंगे। हम यहाँ इसका पीला कलर रख रहे हैं, तो पीले वाले पे क्लिक कर देंगे और इस सही के निशान पे क्लिक कर देंगे, तो ये हमारा पीला आ जाएगा। अब हम ये ब्लैक वाले थोड़ा इसके लिए हम छोटा कर देंगे और क्रॉपिंग करके इसको थोड़ा यहाँ बढ़ा देंगे। अब ये हमारा लिखे तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका बॉर्डर अगर बढ़ाना चाहें हम तो बना सकते हैं। हमें लायर पे इसी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आप देख रहे हैं हैंड राइटिंग जो ऑप्शन नीचे आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ जो पेंसिल वाला आइकन दिखाई पड़ रहा है ऊपर, इस पर हमें क्लिक कर देने हैं। क्लिक करने के बाद आपके समक्ष ये जो आकृति है ये बन के आ जाएंगे। यहाँ कोई भी आकृति आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हमें ये वर्ग वाली आकृति प्रयोग करनी है तो हम वर्ग वाले पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ हमें कलर कौन सा लेना है, तो यहाँ से आप कलर ले लेंगे, ठीक है, कोई सा भी कलर लेंगे, हम रेड कलर रखेंगे। और इसका जो साइज हमें बढ़ाना है, कितना मोटा जो बॉर्डर बने वो, तो यहाँ नीचे आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा, इस बिंदु पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से थोड़ा हम ये मोटा कर लेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब हम उंगली यहाँ रखेंगे और इसको खींच देंगे, ठीक है, ये वाला इसको हमने खींच दिया, सेम इसी के बराबर कर देंगे बिल्कुल, तो ये आपका जो है यहाँ बन गया, ठीक है, ये लिखे तैयार हो जाता है। अब हम लिखेंगे, हम कक्षा लिखेंगे कक्षा 4, तो हमें क्या करना है, लायर पे क्लिक करना है और मीडिया पर जाना है,
मीडिया पर जाने के बाद यहाँ से इमेज स्टेट पर जाना है और यहाँ से हमें इसका बैकग्राउंड पीला ले लेना है। इसको थोड़ा पीला कर देंगे, बिल्कुल पीला करने के बाद सही के निशान, और इसके लिए क्रॉप करेंगे, ठीक है, क्रॉपिंग करेंगे। क्रॉपिंग करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, मास्क इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसको गोल कर देंगे। यहाँ से गोल हमने कर दिया और इसको थोड़ा इकट्ठा करेंगे और उसी हिसाब से हम इसको बड़ा कर देंगे यहाँ पे और यहाँ रख देंगे उठा कर, ठीक है। ये हमने बना दिया, अब हमें यहाँ लिख देने हैं कक्षा, ठीक है, कक्षा लिखा हमने वही टेक्स्ट पे जाके और यहाँ पे ये इसको रख दिया, रख दिया। इसके लिए इसका कलर हम चेंज करना चाहेंगे तो ये कलर है लिखा हुआ इसमें, तो इसी पे हमें क्लिक करने हैं, इसका रेड कर देंगे। रेड करने का यहाँ इसको, ये आपको जो राइटिंग है इसकी लेख है, कक्षा पतला लिखाई दिखाई पड़ रहा है आपको लिखा हुआ, तो इसको हम मोटा कैसे करेंगे, तो इसी कक्षा पे हम उंगली रखेंगे और ये फॉन्ट आपको दिखाई पड़ता होगा तो यहाँ हम क्लिक कर देंगे और इसके लिए ऊपर देखेंगे जो आपको साइज लेना है, यहाँ से आप साइज कोई सा भी ले सकते हैं। जैसे मैंने ये रोबोट ब्लैक चेक क्लिक किया और सही वाले निशान पर क्लिक कर देंगे, तो ये कक्षा ये मोटा सा लिख के आ गया। अब कक्षा चार है तो लायर में जाके टेक्स्ट में जाके हम क्या करेंगे, चार लिखेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे और ये एरो पर खींचेंगे, इसको बड़ा करेंगे और यहाँ हिला के इसको रख देंगे कक्षा चार, ठीक है। इसका कलर हम चेंज कर देंगे, यहाँ से कलर से हम बता चुके हैं रेड हो जाएगा। अब इसका भी हमें बॉर्डर बनाने हैं गोले का, तो क्या करेंगे हम लायर पर फिर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो हैंड राइटिंग ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है इस पर क्लिक करेंगे। अब ये आपके लिए जो वर्ग दिखाई पड़ रहा है रेड कलर का, यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें क्या करने हैं, गोल जो आकृति है आपको दिखाई पड़ रही है यहाँ पे, वो उस पर क्लिक कर देंगे। अब ये हमारा जो आकृति गोल हो जाती है, अब हम यहाँ उंगली रखेंगे और इसके लिए खींचेंगे तो ये बॉर्डर आपका बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसका कलर आप चाहें तो मान लीजिए हम इसका कलर चेंज करना चाहें, ठीक है, एक बार कलर चेंज कर दिखा देते हैं। लाल पे क्लिक किया, उसके बाद हैंड राइटिंग में क्लिक किया और कलर जो कलर आपको लाल दिखाई पड़ रहा है यहाँ क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से कोई सा भी कलर ले सकते हैं। जैसे हमने ब्लैक कलर ले लिया, ब्लैक कलर लेने के बाद अब क्या करेंगे, हम यहाँ इसको गोला के आकार का खींच देंगे, ठीक है, इसी प्रकार उतना ही बड़ा खींचेंगे जितना हमारा पहले का जो बॉर्डर है वो बना हुआ है, तो हम इसको सेट कर देंगे यहाँ ऐसे सेट, ये हमारा लिख गया। और थंबनेल पे हमें कम से कम बात में अधिक बात कहना चाहिए। इसके बाद हमें क्या करना है, लायर पे क्लिक करेंगे और टेक्स्ट पे जाके यहाँ लिख देने हैं जबकि आप जब तक कि आप सिक्चर डायरी बना रहे हैं, जो भी आप थंबनेल बना रहे हैं उसके बारे में, जैसे ये हमने बनाई है 5 सितंबर, पाँच सितंबर यहाँ लिख देंगे, 5 से 10 सितंबर 2022, ठीक है, ये हमने लिख दिया है। अब ये लिख गया कि 5 से 10 सितंबर 2022 तक ये सिक्चर डायरी हम बना रहे हैं। अभी लिखा हुआ तो हम ये सितंबर और 2022 के नीचे ये यहाँ रखेंगे और ये एंटर पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ देखो ये लिखे आपका आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका बॉर्डर हमें जो बैकग्राउंड वो भी चेंज करना है केवल, तो हमें क्या करना है, ये आप यहाँ ऑप्शन देख रहे हैं, ये चलते हुए यहाँ जाने के बाद हम क्या करेंगे, ये आपके आउटलाइन दिखाई पड़ता होगा टी लिखा हुआ, ठीक है, तो हमें आउटलाइन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसके लिए जो एनिवल है बटन आपको दिखाई पड़ रहा है इस पर हम क्लिक कर देंगे और ये हमारा एनेबल, इसके जो है बॉर्डर थोड़ा चेंज होगा, इसको थोड़ा हल्का हल्का भारी यहाँ से कर सकते हैं, तो इसको हमने ये कर दिया। इसके बाद हम इसको आउटलाइन वापस करेंगे और इसके बाद जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है शैडो, टी शैडो बना हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इसको भी एनेबल करेंगे और यहाँ से कलर जो आपको दिखाई पड़ रहा है ब्लैक, यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको कोई सा भी यहाँ कलर ले सकते हो, ऐसे मैंने दिखाया। अब इसके लिए थोड़ा हम बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा। अब इसको हम वापस कर देंगे। फिर आपके लिए ग्लो दिखाई लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है टी, इस पर हमें क्लिक करना है। इसके बाद इसको एनेबल कर देने हैं और यहाँ से कलर इसका चेंज कर लेंगे, वाइट ब्लैक ही कर देंगे।
इस तरह से ये बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, जो लिखा हुआ है 5 से 10 सितंबर 2022 तक का पूरा एक ग्रीन बैकग्राउंड चेंज करना है। तो ये आपको ये लिखा दिखाई पड़ रहा है बैकग्राउंड कलर टी, इस पर हम क्लिक कर देंगे और इसके इसको जो एनेबल लिखा दिखाई पड़ रहा है इसको एनेबल करेंगे। और यहाँ आपका जो कलर कोई सा भी रख सकते हैं, वो आप कलर यहाँ रख जाएगा। तो ये इस तरह से बन के तैयार हो जाता है। अब हमें क्या करना है, 5 से 10 सितंबर 2022 लग गया, इसके लिए हमें इसका बॉर्डर लेना है। तो हम लायर पर क्लिक करेंगे और हैंड राइट पर क्लिक करने के बाद आपके लिए गोल जो बॉक्स दिखाई पड़ रहा है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ इसको ब्लैक कर देने हैं और यहाँ इसका कलर चेंज कर देने हैं। मान लीजिए नीला कलर ले लेंगे हम इसका, और ये यहाँ उंगली रखेंगे कोने पे, यहाँ पे इसको खींचते हुए पूरा कर देंगे। ठीक है, ये आपका लिख के तैयार होगा। अब मान लीजिए हमें यहाँ जो शिक्षक डायरी उसकी इमेज दिखाने हैं, किताब वगैरह दिखाने हैं, तो हमें क्या करना है, लायर पर जाएंगे। इस पर जाने के बाद मीडिया पर पहुँचेंगे, मीडिया पर पहुँचने के बाद क्लिक करेंगे तो डाउनलोड में हमने ये पहले से ही अपनी बुक डाउनलोड की जो इमेज है इसकी वो डाउनलोड कर रखी है, उसी को हम यहाँ लेके आ रहे हैं। ये हमने यहाँ उठाया और इसके लिए हम छोटा करके यहाँ रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, ये मान लो हमने यहाँ रख दी। ठीक है, इसके अलावा PDF इस पर दिखाई पड़े तो PDF की हम डाउनलोड कर रखा है। PDF की इमेज डाउनलोड करेंगे तो यहाँ से देखेंगे, जहाँ पर भी इमेज है वहाँ से उठाएंगे और यहाँ पर आके रख देंगे। ठीक है, और इसके बारे में और भी कुछ लिखना चाहें तो आपको जो नीचे आपको जगह दिखाई पड़ रही है यहाँ आराम से लिख सकते हैं। लिखने के बाद आपका ये थंबनेल तैयार हो जाएगा। तैयार होने के बाद हम क्या करेंगे, आपको इस साइड पे लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है, बीच में बॉक्स ये दिखाई पड़ रहा है एक, यहाँ हमें क्लिक कर देंगे। तो यहाँ तीन तरह के जो ऑप्शन आ रहे हैं, एक कैप्चर एंड सेव, कैप्चर एंड एडेड एज क्लिप, कैप्चर एंड एड ए लायर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले ऊपर वाले पे क्लिक कर देने हैं। तो आपका ये जो इमेज अभी आपने थंबनेल बनाया था ये आपके गैलरी में जाके, मोबाइल की गैलरी में जाके सेव हो जाएगा। अब ये सेव हो जाता है, उसके बाद हम कान मास्टर के लिए बंद कर देंगे। मास्टर को बंद करने के बाद अब हम अपने मोबाइल की मेन स्क्रीन पर आ जाएंगे, वहाँ से वो ऐप जो हमने डाउनलोड किया था उसके लिए हमें ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद हमने ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपके समक्ष आएगा। यहाँ आपको प्लस का आइकन दिखाई पड़ेगा, इस प्लस वाले पे क्लिक करोगे तो तीन तरह की आकृति दिखाई पड़ेंगी। यहाँ ये जो है, जो पहला जो है आपके लिए थंबनेल का आकार है, ये आपका फेसबुक का जो रील्स है उसके लिए है। बीच वाला लैंडस्केप है, ये आपके यूट्यूब के लिए है। और इसको ये वाला इंस्टाग्राम या फेसबुक पर वीडियो डालने के लिए उसका हम यहाँ से थंबनेल बना सकते हैं। हमें केवल YouTube वाला बनाना है अभी, तो हम YouTube वाले पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने का ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ आप देख रहे हैं कई ऑप्शन आपके समक्ष होंगे, यहाँ काफ़ी इसमें ऑप्शन चित्र वगैरह मिल जाते हैं। पहला वाला ऐड टेक्स्ट है, कुछ लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद ऐड इमेज, हमें केवल ऐड इमेज करनी है यहाँ पे, तो ऐड इमेज पे क्लिक करेंगे और ये आपको गैलरी में लेके जाएगा। ठीक है, जो आपने पहले अभी इमेज बनाई है वो आपके समक्ष है, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो आपकी ये इमेज सेलेक्ट पर क्लिक कर देंगे, फिर ये ऐसे सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये आपका सेलेक्ट होने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ आपको नीचे दिखाई पड़ता होगा लिखा हुआ सेव बटन। ठीक है, सेव बटन पर हम क्लिक कर देंगे और इसके बाद आपके समक्ष चार ऑप्शन ये आ जाते हैं, सेव एज इमेज, सेव एज हाई री इमेज HD में, या जिप, या सेव एज एडिटेबल टेम्पलेट। तो हमें क्या करना है, HD वाला सेव कर देने हैं, 280x1556, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो ये आपके मोबाइल की गैलरी में दोबारा पहुँच जाएगा। हम आपको दिखा देते हैं, अपने मोबाइल की गैलरी ओपन करने का, फोन को वापस कर देंगे और गैलरी जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाली जो फर्स्ट नंबर की जो इमेज है वो आपके समक्ष बन के